हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास टेंथ ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। कहता है मोहिनी विशेस टू फिट थ्री रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मोहिनी नाम की एक कन्या है, उसकी ये मर्जी है कि वो तीन रॉड को राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में फिट करे। ठीक है, इफ़ द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, और जो है समझिएगा शॉर्टेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। तो आपको रॉड की लेंथ पता लगानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। सॉल्यूशन, इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लेते हैं साइड में। ये आपका ट्राइंगल ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? अच्छा, शॉर्टेस्ट साइड कह रहा है, क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड आप किसको मानेंगे? BC आपका बेस हो जाएगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाले यानी कि AC आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको शॉर्टेस्ट साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस AB को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट AB बी द, लेट AB द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। ठीक है, AB को आपने क्या मान लिया? X मान लिया। और देखिए क्या कह रहा था, समझिएगा। शॉर्टेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है आपका हाइपोटेन्यूस, तो AC क्या हो जाएगा? X प्लस 4, ये हो जाएगा ना। एक कंडीशन और दी थी कि जो हाइपोटेन्यूस है वो बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हाइपोटेनस क्या है? बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस x प्लस 4 को मैं तोड़ के और क्या लिख सकता हूँ, समझिएगा। इस मैं x प्लस 4 को तोड़ के और क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 2 प्लस 2, ये हो सकता है। x प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC प्लस 2। देखो समझना, मैंने 3 स्टेप में किया है, यही 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। AB को आपने शॉर्टेस्ट साइड मान लिया x, क्वेश्चन में कहा था जो आपका हाइपोटेनस है वो शॉर्टेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 4 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा था कि BC से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा क्या है आपका हाइपोटेनस है, तो इसी मैंने x प्लस 4 को ब्रेक किया। किस में? 4 को मैं 2 प्लस 2 करके लिख सकता हूँ। x प्लस 2 को मैंने क्या मान लिया? BC। सर आपने BC क्यों माना है? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में कहा है कि बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका BC क्या हो जाएगा? x प्लस 2। समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? x प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, रॉड की लेंथ तो हो जाएगी, निकल आएगी। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, रॉड की लेंथ निकल आएगी। क्लियर है ना बेटा? तीनों रॉड की लेंथ अलग अलग निकालनी है, यानी पहले AB, BC और CA की। तो आप करेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय अप्लाइंग PT। PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या दिया है? AC आप क्या मानोगे? x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा? BC क्या दिया है? x प्लस 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB क्या दिया है? x यानी कि x का स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4
प्लस फोर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा समझना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो इसको इधर ला के कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, और बाकी चीज़ को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट एक्स प्लस फोर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ठीक है, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा, अच्छे से इधर देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इधर जाएगा, माइनस एट एक्स हो जाएगा, प्लस फोर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। इसको उठा के सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। क्या अप्लाई करोगे, चाहे फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटेशन अप्लाई करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटेशन अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे करेंगे ज़रा देख लो। 12 को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 12 आएगा, 12 का साइड में एलसीएम निकालोगे, पेयर बना लोगे, ठीक है, पेयरिंग कर लोगे, 6 और 2 की पेयरिंग होगी, 6 टू जै 12, 6 में से 2 जाएगा या माइनस होगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 बचेंगे, यहाँ पे आपको 4 ही लाना है, तो इसको कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 6 माइनस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6 प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 6 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद देखिए, x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2 हो गई, x की वैल्यू जाहिर सी बात है माइनस कंसीडर करेंगे नहीं, तो ये 6 कंसीडर करेंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर, बी सी क्या हो जाएगा आपका, 6 प्लस 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, और ए सी क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 4 यानी कि 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा, तो आपकी साइड क्या हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, 6, 8, 10, ठीक है, सेंटीमीटर में है तीनों। समझ में आया बेटा, अच्छे से, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए शाबाश, चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22 क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ओके, इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। बहुत आसान है, देख लीजिए सॉल्यूशन, कह रहा है पीटी डिस्प्ले हो रहा है, 480 स्टूडेंट हैं टोटल, आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज में, रोज ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल वाली क्या होंगी आपकी, रोज होंगी, और जो वर्टिकल वाले होंगे वो क्या होंगे, कॉलम होंगे, ऐसे करके। इफ़ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को हम x मानेंगे, और हर रो में, समझिएगा, नंबर ऑफ रोज को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, ये है आपका नंबर ऑफ रोज, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, x नंबर ऑफ रोज है, और हर रो में स्टूडेंट कितने हैं, जितनी भी रोज हैं उससे 4 ज़्यादा, यानी x प्लस 4। समझिएगा बेटा, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक रो है, सॉरी मान लीजिए आपके पास ऐसे करके दो रो हैं, कितनी रो हैं बेटा, ऐसे करके मान लीजिए एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, दो रो हैं, एक रो में 4 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, सर एक रो में अगर 4 बच्चे हैं तो दूसरी रो में भी 4 बच्चे होंगे, टोटल बच्चे होंगे 8। समझ में आया, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज एक्स हैं, यानी टोटल रोज 1, 2, 3, 4 ऐसे करके एक्स रोज हैं, हर रो में बच्चे कितने हैं, x प्लस 4, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 4। समझ में आई मेरी बात, यही चीज़ तो है ना, नंबर ऑफ रोज अगर 2 हैं, हर रो में 4 बच्चे हैं, तो 2 इंटू 4 कर रहे थे, नंबर ऑफ रोज x हैं यहाँ पे माना है, हर रो में बच्चे कितने हैं, x प्लस 4, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 4। समझ में आई मेरी बात या नहीं, यहीं पहले ये बताओ, क्लियर है, चलो यहाँ पे लिखोगे लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स,
क्लियर है? सॉरी, वेरी सॉरी। फिर क्या लिखेंगे? देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? x प्लस फोर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 480 आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। कहाँ दिया है? ये दिया है। क्या हो जाएगा? ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा? 480, यही होगा ना। चलिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू 480, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 480 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी कितना है यहाँ पे? 4 है। ठीक है ना बेटा? प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिया है? 1 दिया है। सी कितना दिया है? माइनस 480 दिया है। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। 4 वन जा 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 8 4 जा 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 4 जा 16, 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, कितना आंसर आया? 1 2, कितना आंसर आया? एक मिनट फिर से कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 4 जा 16 और 3 19। क्लियर है? 1930 अपॉन में 2, 1920 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा? 1936। मुझे ध्यान नहीं है 1936 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ साइड पे निकाल लेते हैं 1936। ठीक है, 2 9 18, 26 उसके बाद 28, यही होगा ना। चलो देखो ये कितना हो जाएगा? 24 28 24। इसका मुझे पता है किसका होता है, ये 22 का होता है। ठीक है, 22 का होता है। ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा, आप लोग तो शायद ना बता पाएंगे, तो वही चीज़ है, आप लोग डायरेक्ट एलसीएम निकालते जाइएगा, दो दो का पेयर बनेगा, आ जाएगा आंसर से। ये 2 का बना, ये 22 का बना। 2 into 22 कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 22 निकलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, आंसर कितना आएगा? 44 आएगा। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे मैंने रफ भी कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स वन की वैल्यू माइनस 4 प्लस 44 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा? 40 अपॉन में 2 20। ठीक है, एक्स टू की वैल्यू निकाल लो, माइनस 4 माइनस 44 अपॉन में 2 माइनस 48 अपॉन में 2 रिड्यूस होगा, कितना बचेगा? माइनस 24। अब देखिए, एक्स हमने माना किसको था? नंबर ऑफ़ रोज़ को। भैया नंबर ऑफ़ रोज़ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगी। तो हम एक्स की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? पहली वाली। नंबर ऑफ़ रोज़ अगर एक्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ अगर 20 है सॉरी, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो कितना हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 20 है तो हर रो में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? कितने माने थे? x प्लस 4, यानी कि 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 24। आंसर कितना आएगा? 24 स्टूडेंट इन ईच रो। क्लियर है या नहीं क्लियर है पहले ये बताओ, अच्छे से बताना। ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए क्या कहा है ज़रा देखिए। कह रहा है इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स, ओके, इन ईच रो। इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस बाय 5, देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाय 375। ओके, हाउ मेनी रोज वर देयर? आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए सोल्यूशन। पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद सोल्यूशन कराता हूँ।
कह रहा है एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम आप जानते हैं आपके स्कूल में होगा, ठीक है, ऑडी कहते हैं जिसे। द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, यानी अगर जैसे मान लीजिए ये आपकी दो रो हैं, ठीक है, दो रोज हैं यहाँ पे, तो पहली वाली रो में भी दो सीट है, दूसरी वाली रो में भी क्या है, दो सीट्स है, ये कहा गया है, ठीक है, कि जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है उतनी ही सीट हैं हर रो में। यहाँ पे दो रो हैं, एक पेन है, एक ये वाला रो है स्केल वाला, दो रो हैं तो पेन में भी मान लीजिए दो सीट है, स्केल में भी दो सीट है, तो जितनी रोज हैं उतनी ही सीट हैं एक रो में, ठीक है, ऐसी बात कही गई है। इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ डबल्ड, अगर नंबर ऑफ रो को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं कि एक्स है, अब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ रोज अगर एक्स होंगी तो नंबर ऑफ सीट इन ईच रो भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ रोज एंड सीट इन ईच रो बी एक्स, नंबर ऑफ रोज और सीट हर रो में को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एटी क्यू, अब डायरेक्ट एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की कंडीशन लगेगी क्वेश्चन के हिसाब से। इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड, अगर नंबर ऑफ रो को डबल कर दिया, यानी एक्स से टू एक्स हो जाए, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस बाय फाइव, नंबर ऑफ सीट कितनी हो जाए हर रो में, एक्स माइनस फाइव हो जाए, देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, समझिएगा, देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाय 375, इज इंक्रीज्ड बाय 375, फाइंड हाउ मेनी रोज पर देयर। बहुत आसान है, देखिए समझिएगा, अगर रो को मैंने डबल कर दिया और नंबर ऑफ सीट हर रो में क्या हो गई, 5 से कम हो गई, तो जो टोटल, तो जो टोटल सीट है उसमें 375 बढ़ जाता है। टोटल सीट कितनी थी, एक्स थी, इसमें कितना हो गया, 375 बढ़ गया। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका रिलेशन बना। एक बार फिर से समझ लो, अगर नंबर ऑफ रोज को मैंने डबल किया, नंबर ऑफ सीट हर रो में 5 से कम हो गई, तो जो टोटल सीट आएगी, टोटल सीट कैसे आएगी, जाहिर सी बात है दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भैया अगर यहाँ पे ऐसे मान लीजिए दो रो हैं, हर रो में 4 सीट है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना, 2 × 4 करेंगे 8 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमने किया है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है, पहले तो नंबर ऑफ सीट्स एक्स थी, उसमें 375 बढ़ गया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर कितना आएगा, ज़रा देखो, 2x² माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस 375, यही होगा ना, सब चीज़ को इधर ले आइए, 2x² माइनस 11x, ठीक है, x आएगा इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 10x माइनस x मिलके माइनस 11x हो जाएगा, माइनस 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी कितना है, माइनस 11 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है, माइनस 11 का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए कितना है, 2 है, सी कितना है, माइनस 375 है, क्लियर है बेटा, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है, 2 है। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 750 आएगा, कितना आएगा, 750 आएगा ना, जी हाँ 750 आएगा, 750 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक है 3000 आएगा क्या, जी 3000 आएगा, एक मिनट, शुड वी डू इट अगेन, एक बार फिर से कर लेते हैं, 375 को 2 से करेंगे तो आएगा 750, ये क्लियर है, जी हाँ क्लियर है, 750 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा,
3000, ठीक है, अपॉन में 4, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, क्लियर है ना बेटा? ओके, क्लियर होना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। थ्री वन टू वन किसका स्क्वायर होता है, निकालना पड़ेगा फिर बेटा, ठीक है। तो बेटा कोई, ये तो कोई अजीब और गरीब नंबर का स्क्वायर लग रहा है बेटा मुझे, ठीक है, देखना पड़ेगा। 59, 59 का चेक करेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं 59 का। नहीं बेटा 59 का तो नहीं होगा ये, फिर किसका होना चाहिए ये? फिफ्टी नाइन का तो नहीं है बेटा ये, फिर किसका होना चाहिए? कोई गलती तो नहीं की है, एक बार देख लीजिए। फोर इंटू ए इंटू सी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। 59 का स्क्वायर तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, देखो बेटा देखेंगे, ठीक है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो कंडीशन ही गलत है, तभी तो नहीं आ रहा है, वही मैं सोच रहा था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गलत है। 2x इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, क्यों होगा ज़रा देखो। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कहा था, मुझे लगा ये सिर्फ नंबर ऑफ सीट इन ईच रो की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीट तो बेटा एक्स स्क्वायर होगा ना, क्योंकि एक्स तो नंबर ऑफ रोज है और हर रो में एक्स सीट है, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे, यानी रोज भी एक्स हैं और हर रो में एक्स सीट भी है, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा? ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ठीक है, कंडीशन ही गलत थी हम लोग की। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 10x ही रहेगा, माइनस 375। ये सारी चीज़ें गलत हैं, इसको आप काट दीजिए। ये फॉर्मूला तो ठीक लिखा है लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है, करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 375, ठीक है। यहाँ से करता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस 10, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस 375 है, ठीक है, अच्छा, अपॉन में 2 इंटू 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस माइनस अंडर रूट, पूरे में है,
माइनस 40 मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 375 को 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 से करेंगे तो 750 आएगा, फिर 750 हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा, और माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस 1500, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, अपॉन में 2, x1 की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस, ये आएगा 1600, 1600 होता है किसका 40 का, अपॉन में 2 ये आ गया 50, अपॉन में 2 ये हो गया 25, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 40 अपॉन में 2 हो जाएगा माइनस 30 अपॉन में 2 कितना आ गया माइनस 50। एक्स माना किसको था आपने, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सीट इन ईच रो को, आपसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। भैया नंबर ऑफ रोज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव ही होगी, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 25 है, समझ में आया। यहाँ पे बेटा बहुत माफ़ करिएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, होना नहीं चाहिए था ऐसे क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहा था, मुझे लगा कि नंबर ऑफ सीट इन ईच रो की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी एक्स था और नंबर ऑफ सीट इन ईच रो भी एक्स था, तो एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए कह रहा है एट एन एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल ईच स्टूडेंट गिफ्ट टू एवरी अदर स्टूडेंट, ओके द नंबर ऑफ गिफ्ट इज 1980, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए मेरी कोचिंग क्लास है और मेरी कोचिंग क्लास में 10 बच्चे हैं, और आपको समझिएगा मेरी कोचिंग क्लास है, मेरी कोचिंग क्लास में 10 बच्चे हैं और आप जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से एक बच्चे आप हैं, मैंने कहा बेटा जाओ गिफ्ट लेके आओ सबको दो, तो आप कितने गिफ्ट लाओगे मुझे छोड़ के ठीक है, कितने गिफ्ट लाओगे, जाहिर सी बात है 9 गिफ्ट लाओगे, 10 तो लाओगे नहीं क्योंकि अपने आप को तो गिफ्ट दोगे नहीं, तुम्हारे अलावा कितने बच्चे बचेंगे, 9 बच्चे बचेंगे, तुम 9 गिफ्ट लाओगे सबको दे दोगे, समझ में आई मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स मानता हूँ तो एक स्टूडेंट गिफ्ट कितने लाएगा, एक्स माइनस वन गिफ्ट लाएगा, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है तो एक बच्चा गिफ्ट कितने लाएगा, 10 माइनस वन गिफ्ट लाएगा, क्लियर है बेटा अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है, स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिखिए, अपोस्ट्रोफियस नहीं होगा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, क्लियर है, देन नंबर ऑफ गिफ्ट कैरीड बाय, यानी जो एक बच्चा गिफ्ट लाएगा दूसरों को देने के लिए, नंबर ऑफ गिफ्ट कैरीड बाय ईच स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्लियर है बेटा। ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट की वैल्यू कितनी है 1980, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट निकलेगा कैसे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और उनके पास जितने गिफ्ट हैं ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं और हर बच्चे के पास एक्स माइनस वन गिफ्ट होगा, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 1980, क्लियर है, कर लो तो आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से, तो अपना साइन ये चेंज कर देगा, इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो अरे डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करो निकालो ठीक है, मिडिल टर्म में मत बैठ जाना ठीक है ना, समझ में आ रही ना मेरी बात। चलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी कितना दिया है यहाँ पे, एक्स का कोफिशेंट कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वन होगा, साइन के साथ लेते हैं तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है वन है, सी कितना है माइनस 1980 है,
अपॉन में 2 इंटू ए कितना है, 1 है, ठीक है। इसके बाद देखो x1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1980 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 0 हो जाएगा, 4 8 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 9 36, 36 और जो कैरी 2 था वो मिलकर कितना हो जाएगा, 38 के 8 कैरी लगा 3, कैरी लगा कितना बेटा, कैरी लगा 3, कैरी लगा 3, 4 1 4 और कैरी 3 कितना हो जाएगा, 7। एक बार फिर से देख लो, 4 0 0, 4 8 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 एक मिनट, हाँ कैरी लगा 3, 4 9 36 और 3 39, 39 होगा बेटा, 39 होगा, 9 कैरी लगा 3, 4 1 4 1 4 और 3 7, 7 9 20, ठीक है, अपॉन में 2। क्लियर है बेटा, अच्छे से। इसके बाद देखो थोड़ा सा, ठीक है यहीं पे कर लो, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 9 2 1 अपॉन में 2। अरे बाप, 7 9 2 1 का स्क्वायर निकालना है, एक मिनट बेटा, इसको अंदाजे से निकालते हैं, ऐसे नहीं निकलेगा ये, ठीक है। या तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करिए, जो आपने मेरे ख्याल से क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, उससे निकल सकता है, ऐसे मत निकालिए, मैं बता रहा हूँ किसका ये। एट्टी और 90 के बीच का है, क्योंकि 80 का स्क्वायर क्या होगा, 6400, 90 का स्क्वायर क्या होगा, 8100, इन्हीं के बीच का है ये। अब इनके बीच का कैसे निकाला जाए, एट्टी और 90 के बीच का कहा ना मैंने, 89 का चेक करें क्या, का स्क्वायर है किसका है, 89 का है, ठीक है ना, 89 का स्क्वायर है बेटा ये, 89 का। सर आपने इतना सटीक निकाला कैसे, सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, अभी बताया, 80 का स्क्वायर 6400 होगा यानी 6400, 90 का स्क्वायर 8100 होगा यानी 8100, इन्हीं दोनों के बीच में ये लाई करेगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो। 89 का निकाल लिया अंदाजे से, सर 89 क्यों, 88 क्यों नहीं, 89 का इसलिए बेटा क्योंकि 89 का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 का स्क्वायर होगा 81 और उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 9 का 89 है, 89 के यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, यानी कि 81 के यूनिट प्लेस पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 दिया था, इस वजह से ऐसा अंदाज़ा लगाया, ठीक है। सर अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो बेटा फिर हम किसका निकालते बताओ, तुम ही 81 का अप्लाई करते, क्योंकि उसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 81 तो बहुत मतलब 6400 के करीब ही वाला होता नंबर ना 81 के, इस वजह से मैंने 89 का अप्लाई किया, ठीक है। 1 प्लस ये हो गया 45 का, एक मिनट 45 कह रहा हूँ, 89 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया 90 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ये बताओ ज़रा, 45। एक्स टू की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है वो नेगेटिव ही आएगी, माइनस 88 अपॉन में 2 माइनस 44, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या माना था आपने, एक्स माना था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, माइनस 44 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो नहीं सकते, ठीक है ना, आंसर कितना आ गया, 45 स्टूडेंट, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए ये देखो क्या कह रहा है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, ड्यू टू हैवी रेन
इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड एज सच इट टेक्स 2 hours लॉन्गर टू कवर द लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस. ओके अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म स्पीड टू बी x किलोमीटर पर आवर फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू इवेल्युएट x. हो जाएगा, देखो आसान है सॉल्यूशन. कह रहा है बस जो है 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से. ठीक है ठीक है, थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, बाकी हो जाएगा, बाकी मैं बता दूंगा. ठीक है, एक फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रख लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डी इज इक्वल टू एस इनटू टी. डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम. डिस्टेंस आपको दिया कितना 240 किलोमीटर, स्पीड आपको माननी है एक्स किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको एक्स मान लीजिए इज इक्वल टू टी. टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स इधर आएगा 240 के अपॉन में, तो हो जाएगा 240 अपॉन में एक्स आवर. ठीक है, टाइम है तो आवर में रहेगा. क्यों आवर में रहेगा सर, सेकंड में क्यों नहीं, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया था. क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, टाइम निकल गया 240 अपॉन एक्स, ये टाइम लगना चाहिए. अब आया आपका फेरबदल, ड्यू टू हैवी रेन, बारिश ज़्यादा हो रही है, स्पीड जाहिर सी बात है गाड़ी स्लो चलानी पड़ेगी वरना स्लिप होने का खतरा है. स्पीड को अगर हमने x माइनस 10 से रिड्यूस कर दिया, ठीक है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी. एज सच इट टेक्स 2 hours लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस. ठीक है, अब देखिए, अब आपका आएगा ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो डिस्टेंस अभी भी सेम रहेगा, डिस्टेंस तो बढ़ा नहीं है, तो डिस्टेंस अभी भी आपका 240 रहेगा. स्पीड, स्पीड आपने क्या करी, x से 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, x से क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, कम हो गया. तो जो आपका ये था, क्या था समझो, तो जो आपका टाइम था उसमें 2 घंटे की क्या आ गई, 2 घंटा ज्यादा लग रहा है अब, तो यानी इसमें 2 जोड़ देंगे, ये बन गया आपकी इक्वेशन. इसको सॉल्व करना है और निकाल लेना है, समझे मेरी बात. देख लो, डिस्टेंस तो अभी भी 240 रहेगा, स्पीड में 10 की कमी आई है और टाइम 2 आवर से बढ़ गया है. ठीक है, इसको इधर ले आओ, x माइनस 10 को 240 के अपॉन में ले आओ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 प्लस 2x अपॉन में x. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 240x. x माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 240 प्लस 2x से. क्लियर है अच्छे से. चलो इसके बाद देखो, ये हो जाएगा 240x, 240x, ठीक है ना, x को 240 से करेंगे आएगा 240x, सो आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2400, माइनस 10 को 240 से किया, माइनस 10 को फिर माइनस प्लस 2x से करेंगे तो आएगा माइनस 20x. ठीक है, 240x से 240x ख़त्म, आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लीजिए और आसानी हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. ये 2 जो है 0 के अपॉन में आ जाएगा, 0 अपॉन 2 ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको मैं उससे कर दूँ क्या, मिडिल टर्म से. ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्राइक कर गया, 1200 का साइड, 1200 को पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे 1200 आएगा, 1200 का साइड में एलसीएम निकालोगे 30 और 40 का बनेगा, 30 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो 1200 आएगा, 40 में से 30 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, और हमको चाहिए क्या, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 10 दिया है. ठीक है ना, ये सब तो आना चाहिए बेटा, कई बार कराया है. ठीक है, पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में ये कराया है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा 40 माइनस 30 माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा एक्स माइनस 40, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 40 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 30 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0.
एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। क्लियर है? एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस 30 आ गई। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या आई है 40। आपको चाहिए क्या था, एक्स की वैल्यू तो चाहिए थी, तो जाहिर सी बात है स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पे लिख लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, समझ में मेरी बात अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।